बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराल ने बड़ा निशाना साधा है इनेलो पर। उनका यह कहना है कि इनेलो बीजेपी के लिए अछूत है। सुभाष बराला का इनेलो पर बड़ा हमला, इनेलो बीजेपी के लिए अछूत है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है। जैसे जैसे अब 2019 का संग्राम पास आ रहा है, हमले तेज किए जा रहे हैं, बीजेपी ने तीखा प्रहार किया इनेलो पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि इनेलो बीजेपी के लिए अछूत है। साथ ही कांग्रेस पे भी तगड़ा हमला किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है। जींद पहुंचे थे सुभाष बराला, इनेलो पर बड़ा हमला किया। रमेश सिंगरोहा जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। रमेश, आप तीखा प्रहार इनेलो पर सुभाष बराला का। जी पूजा, देखिए आज योग दिवस के ऊपर बराला ने जितना बड़ा हमला किया शायद आज तक किसी पार्टी ने या किसी नेता ने भाजपा के नहीं किया होगा। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इनेलो के भूतकाल के व्यवहार को और वर्तमान में जो व्यवहार है या जिस तरह चिताकसी इनेलो के नेता कर रहे हैं उनको देखते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी भाजपा के लिए अछूत पार्टी है। इनेलो के लिए भाजपा चाहे हो ना हो, तो सबसे बड़ा हमला किया कि इनेलो के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत करना वो पसंद नहीं करते। अछूत पार्टी करार दे दिया सुभाष बराला ने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष से। और खासकर कहा तो पिछले दिनों भी अब बेतोटोला ने जब ओपी कृषि मंत्री ओपी धनखड़ पर निशाना साधा था उसके बाद बराला काफी आक्रामक है और आज उन्होंने इनेलो पार्टी को अछूत पार्टी करार दे दिया। और कांग्रेस के लिए भी कहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। जी हाँ, देखिए जिस तरह से अशोक तंवर ने पिछले दिनों प्रहार किया था कि इनेलो जिस तरह से जेल भरो आंदोलन कर रही है वो भाजपा के इशारे पर कर रही है, तो वहाँ पर अशोक तंवर पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अस्तित्व खो चुकी है, अस्तित्व बचाने के लिए ये नेता आपस में लड़ रहे हैं। कोई कहीं पदयात्रा कर रहा है, कोई रथ यात्रा कर रहा है, लेकिन कभी साइकिल का पहिया पंचर हो जाता है तो कभी रथ का पहिया टूट जाता है। इस तरह बराला ने कांग्रेस और इनेलो दोनों पर हमला करते हुए कहा कि ये पार्टियां हैं अपना जनाधार बचाने में जुटी हुई है। जैसे जैसे 2019 का संग्राम नजदीक आ रहा है रमेश, पार्टियों के हमले तीखे होते जा रहे हैं। जी पूजा, देखिए अभी पार्टियों के हमले हैं वो काफी तीखे होते जा रहे हैं और आगे आगे देखेंगे कि व्यक्तिगत बयान है वो भी अब शुरू हो जाएंगे। शायद इनेलो भी बराला के इस बयान के ऊपर कड़ा प्रहार करेगी, कोई व्यक्तिगत कटाक्ष करेगी। जैसे ही इनेलो के नेताओं के पास ये बात पहुंचेगी कि इतनी बड़ी बात सुभाष बराला ने कह दिया कि आज इनेलो पार्टी को अछूत करार दे दिया है, तो निश्चित रूप से इनेलो पीछे रहने वाली नहीं है। उनकी तरफ से भी जल्दी कोई न कोई प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी और अब ये पार्टियों के बयान है वो व्यक्तिगत प्रहारों की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे। और आपने देखा है पिछले कुछ समय से इनेलो बहुत ज्यादा आक्रामक है क्योंकि वो अपनी पैठ बढ़ाने के लिए अब लगातार अग्रेसिव हो रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लगातार निशाने साध रही है इनेलो। जी देखिए, जितने भी उपचुनाव हुए थे वो लोकसभा के हुए हो या विधानसभा के, वो भाजपा के लिए गले की फांस बनकर रह गए, यानी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। और यूपी में जो गठबंधन हुआ था उसके बाद हरियाणा में इनेलो बसपा का गठबंधन जो हुआ उसके बाद इनेलो काफी जोश में है और इस वक्त तो उनको लग रहा है कि वो मैदान मार सकते हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन SYL मुद्दे को लेकर जेल भरो आंदोलन इनेलो पार्टी कर रही है, बसपा को साथ जोड़ रही है, तो इसी तरह से कांग्रेस है वो भी अपनी तरफ से जुटी हुई है। किसी न किसी तरह से ये जो चुनावी रंग में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी आस लेकर जाए और सत्ताधारी पार्टी ही हमेशा निशाने पर रहती है, तो भाजपा इस वक्त हरियाणा में काफी निशाने पर भी रहेगी क्योंकि कई ऐसे मामले भी उठाएंगे जो अभी तक नहीं आए हैं सामने भाजपा के, क्योंकि बेतोटाला कई बार कह चुके कि वो ऐसे सबूत पेश करेंगे कि कतर सरकार में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए उनके सबूत भी वो पेश करने की बात उन्होंने पिछले दिनों कही थी। तो व्यक्तिगत हमले और पार्टियों पर हमलों का दौर कह सकते हैं शुरू हो चुका है क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक वर्ष का वक्त बचा है तो लोकसभा चुनाव में केवल कुछ ही महीने का आइडिया लगा रहे हैं क्योंकि इन लोग कई बार कहते हैं कि नवंबर में हो सकते हैं राजस्थान विधानसभा के चुनाव, लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, तो इसलिए काफी आक्रामक है पार्टियों का रुख अब देखने को मिलेगा। जानकारी देने के लिए आपका